పార్లమెంట్ శీతకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ లో చూద్దాం. माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को हमारे छह पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटेल ने कृषि संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। इससे पूर्व वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। श्री ताराचंद शिवाजी पटेल का निधन 18 सितंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में खरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। श्री विजय कुमार यादव बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री यादव ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा विशेषाधिकार संबंधी समिति के सदस्य रूप में कार्य किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री विजय कुमार यादव का निधन 23 सितंबर 2023 को 94 वर्ष की आयु में नालंदा बिहार में हुआ। श्री सरताज सिंह चटवाल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तथा 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चटवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में कार्य किया। इनका दीर्घकालीन संसदीय अनुभव रहा। श्री चटवाल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की। श्री सरताज सिंह चटवाल का निधन दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को 83 वर्ष की आयु में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। श्री प्रभात सिंह प्रताप सिंह चौहान गुजरात के पंचमहल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चौहान विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। उन्होंने गुजरात सरकार में उपमंत्री और राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी तथा वे 5 कार्यकाल तक गुजरात विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रभात सिंह प्रताप सिंह चौहान का निधन 26 अक्टूबर 2023 को 82 वर्ष की आयु में पंचमहल गुजरात में हुआ। श्री डीबी चंद्रगोड़ा कर्नाटक के तत्कालीन चिकमंगलूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 6वीं लोकसभा तथा बेंगलोर उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चंद्रगोड़ा राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगोड़ा ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में काम किया। श्री चंद्रगोड़ा ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वे 3 कार्यकाल के लिए कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे तथा वे कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी रहे। श्री चंद्रगोड़ा ने कर्नाटक सरकार में अनेक मंत्रालयों का कार्यभार संभाला तथा उन्होंने कर्नाटक विधानसभा और कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य किया। श्री डीबी चंद्रगोड़ा का निधन 7 नवंबर 2023 को 87 वर्ष की आयु में चिकमंगलूर कर्नाटक में हुआ। श्री वसुदेव आचार्य पश्चिम बंगाल के बांकुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने दीर्घ संसदीय अनुभव के साथ श्री आचार्य ने सरकारी उपकरण संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, रेल संबंधी समिति, याचिका तथा कृषि संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया तथा वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे।
श्री आचार्य 11वीं 12वीं 13वीं और 15वीं लोकसभा के दौरान लोकसभा की सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। श्री वसुदेव आचार्य का निधन 13 नवंबर 2023 को 81 वर्ष की आयु में हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। मैं अपने 6 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतत परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में मौन रहेगी।